वहां सिर्फ उसका सिग्नेचर का जरूरत है। तो मेरे बाल कुछ कुछ सूख गए हैं, तो बहुत दिन हो गया ये सूट लिए हुए। लोग सोच रहे होंगे कि मैं रेडी क्यों हो रही हूँ, है ना? तो गाइस, मैं रेडी इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मुझे कॉलेज जाना है। 28 को मेरा एग्ज़ाम है और उससे पहले मुझे कॉलेज का काम लग गया, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। पर आप लोगों को भी देखना है मेरा कॉलेज कैसा है, गांव में कैसा होता है कॉलेज, आप लोग को पता ही होगा। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी मेरा कॉलेज कैसा है। मेकअप नहीं है, ओके। मेकअप कुछ अलग होता है। कुछ लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि मेकअप कितना पोतते हो यार, ये मेरा डेली का रूटीन है। आप अपने फेस को मेंटेन तो करेंगे ना। अब भगवान ने आपको अगर सुंदर बना दिया, आप उसे यूँ ही छोड़ दीजिएगा तो वो सुंदर हमेशा के लिए थोड़ी ना रह जाएगा। तो उसको मेंटेन करना पड़ता है ना, तभी तो वो सुंदर रहेगा। एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत मेकअप करूँगी, मतलब कि 5% मैं मेकअप करूँगी। क्यों, कॉलेज जा रही हो, थोड़ा बहुत तो मेकअप करना बनता है ना, है ना? मैं डरावनी लगूंगी, अच्छा नहीं लगेगा ना। क्या आप घर से बाहर निकलने से पहले आप अपने फेस पे सनस्क्रीन लगाते हैं? यार, सनस्क्रीन लगाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा जब भी घर से बाहर निकलती हूँ सनस्क्रीन जरूर लगाती हूँ, क्योंकि ये हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, टैन नहीं आने देता है फेस पे, थोड़ा फेस नेचुरल लगे। इसके लिए मैं हल्का सा ब्लश कर लूँगी। कुछ ज़्यादा लग रहा है क्या? नहीं हो? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है। मैं ध्यान रखूँगी कि मेरा फेस नेचुरल ही दिखे। मैं आईलाइनर भी स्किप कर दी क्योंकि ज़्यादा ओवर नहीं मुझे दिखना है। हल्का सा मैं मस्कारा को टचअप करूँगी। एंड मैं मैरिड हूँ तो थोड़ा लगना चाहिए ना कि मैं मैरिड हूँ। थोड़ी संस्कार दिखने के लिए तो ये तो करना ही पड़ेगा ना। यार, मेरे पास ड्रायर ही नहीं है क्योंकि पहले वाला तो खराब हो चुका है, इसलिए मैं फैन में ही सुखा रही हूँ बाल को और थोड़ा स्पीड ज्यादा कर देती हूँ। बाल कुछ कुछ सूख गए हैं और रास्ते में तो सूख ही जाएगा। गाइस, जब भी मैं कहीं पे जाती हूँ तो मेरे हाल का कुछ इस तरह से हाल होता है। मैं दिखा, ये देख सकते हैं। बस ऐसा ही हो जाता है। और अभी अभी जो जिस रूम में मैं रेडी हुई थी तो उसका ये हाल हो गया है। आप देख सकते हैं, डोर खुला है, फिर मेरा ये स्टडी रूम। सो ऐसा ही होता है। तो मैं कुछ इस तरह से रेडी हुई हूँ। कैसा लग रहा है ये मेरा सूट? ये मैं बहुत बहुत दिन हो गया ये सूट लिए हुए। तो गाइस, मैं तो हूँ यहाँ की बहू, वो भी संस्कारी बहू, तो ये तो लेना बनता है ना। तो मैं रेडी हो गई हूँ, चलते हैं, आपको फिर से हम कॉलेज में मिलते हैं। सब पहला से
हम लोग अब जा रहे हैं घर। मेरा काम तो हो गया, बट मेरी सिस्टर अभी तक आई नहीं, बहुत देर से वेट किए। सो गाइस, फिर से कॉलेज जाना पड़ेगा। मेरी सिस्टर तो आई नहीं, अब उसका काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे अब चेंज करना पड़ेगा ड्रेस, ताकि मुझे वहाँ कोई पहचाने नहीं कि एक बार और आ चुकी थी। क्योंकि मुझे तो अंजलि बन के जाना, यानी मेरी सिस्टर का नाम अंजलि है, तो वही बन के जाना है। और मैं अपने फेस पे दुपट्टा रख लूँगी ताकि उसके पहचान में मैं ना आऊँ। वहाँ सिर्फ उसका सिग्नेचर का ज़रूरत है, तो वही सिग्नेचर करने मैं जाऊँगी, और कुछ पेपर है वही लाना है। ओके, घर आने के बाद जो ये मैं दशा देखी, मेरा तो मन कर रहा है सर पटक दूँ। बताओ, ऐसा भी कोई करता है? पहले तो मैं करके ही गई थी, ऊपर से मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा सा लल्ला मुन्ना। यार मैं तो थक गई हूँ। एक टाइम भी ऐसा नहीं था कि मैं अपने सर से दुपट्टा हटाई या फेस पर से दुपट्टा को हटाई, क्योंकि बाहर इतना धूल जमा हुआ था और समझ सकते हैं धूल से क्या फेस पे असर पड़ता है। और मैं तो एकदम बाल को वॉश वॉश करके गई थी और सारा मैं बता नहीं सकती। मेरे हेयर का कलर तो रेड है, बट ये सिर्फ धूप में ही दिखता है, देख सकते हैं आप। घर में तो एकदम ब्लैक ब्लैक दिखता है और मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं यूज के अंधेरे में भी मेरा बाल ना रेड रेड दिखे। देख सकते, तो गाइज मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के ही प्यार से मैं वीडियो बना पाती हूँ। ओके गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।